सिख धर्म के दशम सदगुरु सर्वंश दानी संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं उनके चार सुपुत्र साहिब जादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह के अतुलनीय शहादत को समर्पित नमन यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जड़ाशंकर से पूरी श्रद्धा पूर्वक निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी इस यात्रा में गुरु फतेह के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान किया गया। बता दें कि 21 से 27 दिसंबर तक के सप्ताह के बीच गुरु गोविंद सिंह महाराज का पूरा परिवार देश और धर्म के लिए बलिदान हो गया था। इस सप्ताह को पूरे विश्व में सिख समुदाय के लोग इस महान बलिदान गाथा पूरी शिद्दत के साथ याद करते हैं। कार्यक्रम में पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह, मैनेजर राजेंद्र सिंह, तेजिंदर सिंह, धर्मपाल सिंह, चरणप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में श्रीमान संवाददाता से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया। जैसे कि आपको बताया कि आज 21 से लेकर 27 दिसंबर का सप्ताह सिख इतिहास में एक बहुत बड़ा सप्ताह है। इस पूरे सप्ताह में दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया था देश और धर्म के लिए। इस दौरान, इस सप्ताह के दौरान जहाँ गुरु गोविंद सिंह की माता जी का बलिदान हुआ, वही चार बेटों का भी शहादत इसी सप्ताह के बीच में हुआ था। इस पूरे सप्ताह को पूरी दुनिया में सिख जगत अपने गुरुओं की उन शहादत को याद करता है और उनकी आराधना में डूब के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज उसी शहादत के उपलक्ष्य में, आज उसी शहादत को याद करते हुए आज के दिन एक नमन यात्रा हम निकालते हैं गुरुद्वारा जटाशंकर से गुरुद्वारा पैडलेगंज में आई है विभिन्न मार्गों का अनुसरण कर, जिसका मकसद है कि लोग हम अपने इतिहास से हम जानकार हों, अपने इतिहास को जानें। हम नमन यात्रा में के माध्यम से भजन कीर्तन करते हुए यहाँ उस श्रद्धा से समर्पित किया है ऐसे देश के महान सपूतों को। और आज के दिन हमारी मांग भी होती है, हम बाल दिवस के लिए लगातार सिख जगत मांग कर रहा है कि बाल दिवस किसी के नाम पर है वो होना चाहे हो, लेकिन बाल दिवस पे असली अधिकार किसी का है तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे का है।